नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरज पटेल और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज दिल्ली एनसीआर। सराय रोहिला थाने की पुलिस टीम ने ऑटो रिक्शा में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ा है, जो तड़के सुबह या देर रात आजादपुर मार्केट की तरफ जाने वाले लोगों से लूटपाट करते थे। 6 सितंबर को सराय रोहिला थाने में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह आजादपुर जाने के लिए सुबह शास्त्री नगर के पास खड़ा था। इसी दौरान एक ऑटो वहां आकर रुका, जिसमें दो लोग पहले से ही बैठे थे, तो पीड़ित भी उसमें बैठ गया। परंतु कुछ देर बाद जब ऑटो सुनसान जगह पर पहुंचा तो ऑटो में बैठे दोनों व्यक्तियों और ऑटो चालक ने मिलकर उसे लूट लिया। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों की पहचान दीपक, शेखर और भारत भूषण के रूप में हुई है, जिनके पास से लूटे गए 3,000 रुपए भी बरामद किए गए और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।